बहुत जरूरी है टोनी को इस बात का एहसास दिलाना, जिस तरह भगवान के लिए सड़क पर चलता कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे ही इंसान के लिए भी सड़क पर चलता कोई इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तुम्हारे पति बेगुनाह हैं, तुम्हारे पति को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कांटे भर का इंसाफ, ना इंच इधर और ना इंच उधर। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। तुम जा सकती हो। छोटा बॉन। जी क्या मैं? ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि टोनी गलत है और रमित सही है, लेकिन बिल्ले, पुष्पा जी से बहुत बड़ा गलती हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पुष्पा जी एक गलत इंसान को ले आई है थाने में, उन्होंने एक गलत इंसान को पकड़ लिया है। माँ किसे? उनको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, ये कैसा पुलिस स्टेशन है? पुष्पा जी जरा यहाँ ये प्लीज। जी मैडम सर। अरे बापरे, मैडम सर कहाँ है आप? मैडम सर, हमारी यूनिफॉर्म कैसी लग रही है आपको? क्या पुष्पा जी, ये कैसा सवाल है? जैसी रोज लगती है वैसी लग रही है, आप ये क्यों पूछ रही हैं? नहीं मैडम सर, वो बस ऐसे ही पूछा। आपने बुलाया हमें, बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इस फाइल में से जितने भी रोड रेज के केसेस हैं वो सब निकाल कर हमें दीजिए, हमें उनकी स्टडी करनी है। लीजिए पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कहाँ फंस गए, कैसे ढूंढेंगे रिपोर्ट? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है हमें। मैडम सर को अगर पता चल गया तो आज ही जाएंगे नौकरी से। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए, निकालिए हम इस परीक्षा की घड़ी से। करिश्मा सिंह, नीना गुप्ता का सिम कार्ड जो कयामत इस्तेमाल कर रही है उसका कुछ पता चला? जी, हम घर गए, पूछताछ किया उनसे, तो पता चला कि उनका फोन खो गया जो कयामत अब यूज कर रही है। चल फलोटी फलोटी फिर फलोटी फिर फलोटी। मैडम सर। जी। नीना गुप्ता का फोन सर्वेलेंस पे डाला था और अब जाके लोकेशन ट्रेस हुई है। पिछले 8 घंटे से एक ही लोकेशन पर मौजूद है। क्या? रुकी 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 रुकी, आगे बढ़िए आगे बढ़ते रहे। इस फाइल में आगे बढ़ना है पुष्पा जी। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए ये पहला रोड रेज केस है, रिंकू रोड रेज केस। पुष्पा जी रुकिए 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 रुकिए, ये दूसरा रोड रेज केस है, सुनिधि रोड रेज केस। करिश्मा सिंह जी, आप इस लोकेशन पर जाइए, हो सकता है कयामत आपको यहीं पर मिल जाए। एंड मेक श्योर कि आप उसे पकड़ कर सीधा यहाँ लेकर आए। जी मैडम सर। इस कयामत से तो हम भी अब रूबरू होना चाहते हैं। पुष्पा जी दिख गया दिख गया दिख गया, रोड रेज केस 3 दिख गए। दिखा दिखा दिखा, देखिए आशा जी, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब, अरे तुम्हारे सामने देखा ना, तुम्हारी आंखों के सामने उन्होंने अपने आंखों से देखा, तभी देखकर रिपोर्ट निकाली ना। अगर दिखता ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे निकालती? नहीं नहीं, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो झूल है। क्या लफड़ा? होता है होता है, जगह में आकर ऐसा ही होता है। अंदर से बाहर पुलिस वाले और बाहर से अंदर हम अपराधी लगते हैं पुलिस वालों को, मतलब गलत लगते हैं। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। श्योर? हाँ। तो निकल। ए बिल्ले, ए किधर भाग रहे? भाग रहे भाग रहे, मैंने पकड़ लिया। ठीक है करिश्मा सिंह जी, आप निकलिए। इनफैक्ट आप पुष्पा जी और चीता को साथ ले जाइए, पता नहीं वहाँ पर कैसी सिचुएशन होगी, आपको उन दोनों की शायद जरूरत पड़े। जी। मैडम सर, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मतलब अरेस्ट होने से पहले काउंसलिंग थोड़ी करेंगे हम उस कयामत की, वहाँ तो करिश्मा जी की जरूरत है ना, वो दिखाएंगे अपना भौकाल।
संतु भी तो जा सकती है उनके साथ, है ना संतु? जाएगी ना तू संतु? हाँ मैडम सर, मैं जाऊँ प्लीज। ठीक है, एक काम करिए, अब संतोष शर्मा और पुष्पा जी दोनों को साथ ले जाइए। चीता यहाँ से आपको लैपटॉप पर लोकेशन गाइड करता रहेगा। जी मैडम सर। मैडम सर, आज हम यहीं रुकते हैं ना? पुष्पा जी, आप लैपटॉप पे लोकेशन देख सकती हैं। अब तो असल में भी कुछ नहीं देख पाएंगी पुष्पा जी। क्या? कुछ भी नहीं मैडम सर, नहीं देख पाएंगी पुष्पा जी यहाँ लोकेशन। तो फिर जाइए इनके साथ ड्यूटी पर, ठीक है? चीता यहाँ पर संभालेगा। ठीक मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। सुनसान जगह है ये। पुष्पा जी। हाँ। क्या कमाल लग रही हैं पुष्पा जी, आप ये काले चश्मे में ना एकदम गजब लग रही हैं। नहीं हम सच बता रहे हैं, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइनें हैं ना, वो सब फेल है आपके आगे। वैसे हम भी कोई हीरोइन से कम नहीं है, वो तो आजकल थोड़ा जुकाम हो गया है, वरना वो जो डायन कयामत है ना, वो खुद हमारे सामने आ जाती और कहती पुष्पा जी हमें अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। आई थी आपके सामने, आप तो बेहोश हो गई थी। कर दिए गए थे, वो भी जानबूझकर, क्योंकि अगर हम होश में रहते तो कयामत का होश उड़ा देते ना। अच्छा ऐसा है क्या पुष्पा जी, तो ठीक है फिर देखते हैं पिछली दिवाली के रॉकेट में कितना दम है। चीते। हाँ मैडम। जितना भी लोकेशन जो भी तुम बताने वाले हो सब पुष्पा जी को बताओगे, क्योंकि पुष्पा जी अब ये केस लीड करने वाली है। हम उनको फॉलो करेंगे, समझ गए तुम? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? आप तो हमारी सीनियर हैं, आप लीड करेंगे ना? हम सीनियर का ही ऑर्डर है कि अब आप लीड करेंगे इसको। करिश्मा मैडम, एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट था। जाने दीजिए ना आप, पुष्पा जी बेचारी बूढ़ा गई हैं, उनकी उम्र का कहाँ है, और आप तो एक खेल की माहिर हैं, तो आप लीड कीजिए ना, बेचारी पुष्पा जी को छोड़ देती हैं आप तो। तुमसे परमिशन मांग रहे हैं क्या हम? तो तुम चुप बैठो। हाँ पुष्पा जी। लीजिए, बता दीजिए उस कयामत को कि आप क्या चीज है, हेड कांस्टेबल पुष्पा जी किसी से कम नहीं है। जाइए ऑल द बेस्ट पुष्पा जी। हां हां जा रहे हैं ना, जा रहे जा रहे। खुद दिखाई देगा तब ना दिखाएंगी क्या चीज है हेड कांस्टेबल पुष्पा से। क्या अंडों पे चल रही हैं क्या आप? पुष्पा जी आप तो ऐसे चल रही है जैसे माइंस पे चल रही हो। इसे कहते हैं दबे पांव चलना, ट्रेनिंग में कुछ सिखाया नहीं आपको? ऐसे समय पे तो दबे पांव ही चलना पड़ता है। नहीं पुष्पा जी, दबे पांव और रेंगने में ना फर्क होता है, समझ रही हैं आप? इस स्पीड में चलेंगी ना तो कयामत के पोते से जरूर मिल लेंगी आप। जा रहे ना, जाइए जाइए। हाँ हाँ, पीछे से आवाज मत देना। हाँ ठीक है, नहीं दे रही, जाइए। चीते चीते सुन रहा है ना? आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ सीधा सीधा आगे बढ़ते रहिए। और कितना सीधे? अब हमारा बात ना ध्यान से सुनिए। आपके ठीक दाहिने तरफ ना एक बिल्डिंग का दरवाजा है, उस दरवाजा की तरफ आपको बढ़ना है। हेलो 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 पुष्पा जी, आपको आवाज आ रहा है हमारा? हाँ आ रही आ रही। चीते हम अभी अंदर आ गए हैं बिल्डिंग के। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से गाइड करके ना आपको नीना गुप्ता के फोन तक पहुँचा देंगे, और वहाँ से फिर वापिस आपको अपने जीप तक लेते आएंगे। बीच में कहीं नहीं टकराइएगा आप, हम हैं यहाँ पर। हाँ हाँ चीते। हाँ 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 ठीक है पुष्पा जी, हम उस बिल्डिंग का लेआउट निकालते हैं। हेलो पुष्पा जी, अभी हम तुरंत नीना गुप्ता के फोन पर फोन करेंगे, और जहाँ पर भी फोन बजाना बस समझ जाइए कि कयामतवा जो है ना वहीं पर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पुष्पा जी, हम कॉल करते हैं। घंटी जा रहा है, घंटी जा रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रहा है पुष्पा जी? नहीं घंटी तो नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है तो एक काम कीजिए, आप बाईं तरफ मुड़ के ना सीढ़ी है, वहां से ना 20-21-22 जो 25 कदम पे सीढ़ी है। 25 ना पुष्पा जी, ऊपर जाइए। हाँ चीते हम आ गए।
आगे जीते हम चौथे माले पे, अब और कितना ऊपर चले जाए, सीधा ऊपर ही चले जाए क्या? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम जानते हैं आप थक गई हैं, रुकिए ना, हम आखिरी कोशिश करके देखते हैं, फिर से फोन करते हैं हम उसको। हैं जीते, सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। बस बस पुष्पा जी, जहां पर आवाज आ रहा है ठीक उसी तरफ पड़ते रहिए। ये जितना समय लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है सचमुच कयामत के पोते से मिलने गई है अंदर। नाश्ता करके आए क्या? सॉरी सॉरी। आ रही आ रही, फोन की आवाज आ रही है, हमारे बाई तरफ से आ रही है। हाँ ठीक, मतलब ही कयामत जो है ना वहीं पर है पुष्पा जी, एकदम टेंशन मत लीजिए, बढ़ते रहिए उस तरफ। सीढ़ियाँ हैं, लगता है फोन टंकी पे है। हाँ बढ़ते रहिए पुष्पा जी, आगे बढ़िए। फोन यही है। कहाँ कहाँ है मोबाइल, कहाँ है आप? हे पुष्पा जी को पंख तो नहीं आ गया है भाई, उड़ने लगी है। जीते जीते फोन तो मिल गया, मगर हमें नहीं लगता यहाँ कयामत कहीं आसपास होगी। एक मिनट पुष्पा जी, अब कहाँ 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 पर खड़ी है आप? जहाँ पर खड़ी हैं आप वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, छत तो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। हाँ? और छत अगर पीछे छूट गया तो आप खड़ी कहाँ पर हैं पुष्पा जी? हाँ क्योंकि हम तो टंकी पे खड़े हैं ना। टंकी पे? जहाँ पर भी खड़ी है ना आप एकदम बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहिएगा, बिल्कुल नहीं हिलना है, हो सके तो सांस भी मत लीजिए। हमको लग रहा है जरूर कुछ मिसिंग है, हमको देखने दीजिए एक बार पुष्पा जी। हैं अरे बताओ तो सही कहाँ खड़े हम? ना काम मुसीबत है, कितना देर हो गया, इतनी देर में तो हम ऊपर। पुष्पा जी, फोन लेने के लिए आए थे ना, देखो मिल गया उस डायन का मोबाइल। अरे पुष्पा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या मतलब है दिखाई नहीं देता? क्या दिखाई देता है हमें? ये देखो चार ये पांच, ये चार ये पांच। हमारा काम बकैती कर रही है पुष्पा जी, आप पाइप पे खड़ी है आप। पुष्पा जी आप शांत रहिए, संतु आ रही है, बिल्कुल शांत रहिए आप। पुष्पा जी घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आ गई हूँ, मैं आपको बचाऊंगी, नीचे मत देखना ठीक है? मैं आ रही हूँ आपके पास, घबराइए मत, देखो मैं आ गई हूँ ठीक है? संतु जी नहीं, संतु जी कहाँ चलो? पुष्पा जी हेलो 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 पुष्पा जी, अब हम चुप कैसे रह जाए? संतु जी भी वहाँ पर खड़ी हो गई है। तुम भी नीचे मत देखना, तुमको वो आंटी को है ना? आंटी आंटी को नहीं पुष्पा जी, वर्टिगो होता है। संतु जी आपको सर्टिगो है? आप हमको बताई नहीं कभी संतु जी। चिते तुम चुप कर, हम संतु को धक्का दे देंगे। पुष्पा जी हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं पुष्पा जी, हमारे संतु जी को कुछ मत कीजिएगा, मत दीजिए धक्का उनको प्लीज। पुष्पा जी मुझे वर्टिगो पहले था, अब नहीं है, अब मैं नीचे देख के मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। बचा हेलो करिश्मा जी, करिश्मा मैडम, हमें ये बचाने गई थी तुम संतु। मैडम बचा लो प्यारी बहुरानी, अभी हमारी उम्र क्या है, हमने देखा है क्या हमारी जिंदगी में। हाँ पुष्पा जी आ रहे हैं, हमारे हैं बचाने, आप बिल्कुल सीधे खड़े रहिएगा नहीं तो धक्का मार देंगे दोनों को आके वहाँ पे। आ रहे हैं पुष्पा जी संभालिए अपने आप को भी, आप संभालिए अपना, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान सुन भी लेगा, बहुत करीब है आप उनके, बात मानिए हमारा है। और देखिए घबराहट में ना कुछ ऐसा हरकत उरकत मत कीजिएगा जिससे सबको पता चल जाएगा आपको दिखता उखता कुछ नहीं है। पुष्पा जी हम आपका इतना ध्यान दे रहे हैं, हमारे चक्कर में आप हमारे संतु जी का ध्यान दीजिए प्लीज पुष्पा जी।
अरे अच्छा होता कि पहले ही बता देते कि देख नहीं सकते, कम से कम आज जान तो दांव पर नहीं लगती। पुष्पा जी आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना ठीक है? अरे आंखें खुली हो बंद हो क्या फर्क पड़ता है अब? कबूतर कबूतर देखो। कुछ नहीं होगा, देखिए हम बिल्कुल नहीं डर रहे, हम बिल्कुल नहीं डर रहे, आप भी मत डरिए। चलिए चलिए, चलो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, चलिए 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 आराम से, कुछ नहीं हो रहा पुष्पा जी, सब सही है, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। मम्मी पानी पानी थोड़ा पानी, हाँ मिलेगा थाना में, सब मिलेगा आपको पानी, चलिए चलो संतोष। अरे अरे दिख रहा है, दिख रहा है हमको, दिख रहा है, दिख रहा है, अरे क्या बात है पुष्पा जी, आजकल आप तो रोज नाइट ड्यूटी ले रही हैं, घर ही नहीं आ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो ना आजकल थाने में काम भी तो कितना है। नहीं नहीं काम बहुत है मानते हैं, और काम करने वाले लोग भी बहुत है, आप ही नाइट ड्यूटी काहे ले रही हैं? लल्ला पूछ रहे हैं हमसे, अम्मा नहीं आ रही है घर, क्या घर आने का मन नहीं कर रहा आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, थाने में कैसे कुछ ना कुछ होता रहता है तो मन लगा रहता है, घर आके क्या करेंगे, बस आपसे झगड़ा ही करेंगे, इससे अच्छा है ना यही आराम से रहें, आप भी थोड़े दिन ऐसे लल्ला के साथ अकेले रहो, है ना, अच्छा है ना, तब तक मजे करो ऐश करो लल्ला के साथ, है ना। कब से हो रहा है? क्या कब से दिखाई नहीं दे रहा आपको पुष्पा जी? क्या बकैती कर रही हैं आप, क्या बोल रही हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, हम आपको समझाते, बंद कीजिए ओवर एक्टिंग का ड्रामा, पूरा दुनिया जानता है आपको छोड़ के कि आप कैसा ओवर एक्टिंग करती हैं पुष्पा जी, हमको समझ में नहीं आया क्या? हमको पता चल गया है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो तभी समझ गए थे जब वो चार माला की बिल्डिंग पे चढ़ गई थी पाइप पे, आपको पता है आपका जान जा सकता था आपकी ये ड्रामा के वजह से, काय करना है ये प्रपंच ना, जब नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल दीजिए ना नहीं दिखाई दे रहा है, बता देते तो नौकरी चली जाती हाथ से, रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस थमा दिया जाता हमारे हाथ में, अब आप ही बताइए हमारे इस वर्दी इस पुलिस थाने आप लोगों से दूर हम कैसे रह सकते हैं, यही तो है हमारा घर हमारा परिवार, और यही है हम, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, बस यही हमको हमें अपने होने का एहसास होता है, एक 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 बात कहे हम आपसे, बाकी सारे रिश्ते हम पर बस सौंपे गए आपका भी, मगर यही तो एक रिश्ता है जो हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से चुना, हमारा हमारी वर्दी से रिश्ता, एक ना एक दिन तो रिटायरमेंट लेनी है, रिटायर होने ही वाले हम, बस चाहते कि तब तक हम यहाँ हमारे पुलिस थाने में हमारी वर्दी के साथ आप सब लोगों के साथ रहे बस। और आपको कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के नहीं रहते ना, हम तो फिर से एक बार अपनी माँ को खो देते ना, आप क्या आप छोटे बच्चों की तरह रो रही हैं, आप करिश्मा सिंह रो रही है, देखिए हमें कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना अभी आपके सामने खड़े, और वैसे भी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने हमारी जिंदगी में, हाँ हाँ आपका उम्र ही क्या है पुष्पा जी, मतलब हमारे जान लेके ही मानेंगे आप, हाँ ठान लिया आपने,
मतलब आपने सचमुच नहीं देखा है कि किसका गलती था, टोनी का गलती था या रमित का गलती था? सच सच बताइए हमको। नहीं, हमने कुछ नहीं पता था, कुछ ना कुछ तो करना था, किसी एक को पकड़ना था तो जो सामने था उसको पकड़ लिया। हाँ, बहुत बड़ा गलती हो गया है पुष्पा जी आपसे। गलती रमित का नहीं, गलती टोनी का है। जिसका गलती है वो खुले सांड की तरह बाहर घूम रहा है, और जिसका गलती नहीं है वो बेचारा लॉकअप में बंद है यहाँ पे। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें बहुत बुरा भी लग रहा है इसलिए, मगर अभी क्या करेंगे, अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बात पे टिके रहना कि गलती रमित का ही है, गलती टोनी का नहीं है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? हाँ हाँ। क्योंकि अगर मैडम सर को पता चल गया ना कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप ये नाटक कर रही थी, तो आपका नौकरी चला जाएगा आपके हाथ से। ये तो हम सब जानते हैं पुष्पा जी कि मैडम सर अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी से कोई समझौता नहीं करती है। इसलिए आप अड़े रहिए इसी बात पे कि रमित का ही गलती है, टोनी का गलती नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ।